राम बड़ी शालीनता से पिता का पैर छुए, माँ का पैर छुए, फिर कहे पिताजी आदेश। जब पिताजी आदेश कहे, एकटक देखे और करवट बदल लिए, आंख से इशारा से उन्होंने कहा, पुत्र मुझ पर आक्रमण करो। इशारे से यही कहे देख करके, इशारे से समझ आना चाहिए बात, बेटा मुझ पर आक्रमण करो, तुम क्षत्रिय हो, मुझे बंदी बनाओ। यदि बाप से कहीं दोष हो जाए, माँ से कहीं दोष हो जाए, पुत्र का कर्तव्य हो जाए उसे बंदी बना लेना। तुम बंदी बना दो और मुझे जेल बंद कर दो, अवश्य तुम राज्यारोहण कर हो जाओ। राम इशारा कर दिए, हमसे संभव नहीं है पिताजी, जो संभव नहीं है। राम भी अपने इशारे से कह दिया जो संभव नहीं है। तब उन्होंने माँ की तरफ मुखातिब हुआ, माँ आदेश, कहा कि पुत्र राम, जानते हो मैं तुमसे कितनी प्रेम करती थी। वाल्मीकि रामायण में आया है, वह कहती है जब मंथरा ने आकर कही है, तब वह वाल्मीकि रामायण में कहा है कि मैं, हे मंथरा, मैं राम में और भरत में अंतर नहीं समझती हूं, बल्कि मैं राम को ही राज के रूप में, राजा के रूप में स्वीकार करती हूं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तू मांगो। अपनी हार उठा करके वह मंथरा को दे देती है, लेकिन मंथरा आवेश में वह हार उठाकर उसके मुंह पर फेंक देती है। एक दासी, राम कहते हैं, वह कहती है कि कई बेटा राम, यह तुम जानते हो कि मेरी अवस्था क्या थी जब शादी तुम्हारे पिता ने किया, या तुम जानते हो कि मेरे पिता को वह गिरफ्तार कर लिए थे तुम्हारे पिता दशरथ, और जब गिरफ्तार कर लिए और मेरी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए तुम्हारे पिताजी, तो हमारे पिता से, राजा केकई से इन्होंने कहा कि अपनी पुत्री को कन्यादान करो, तुम्हारे देश को मैं मुक्त करता हूं। हमारे पिताजी, अब समझ लो कि वह पिता अपने पुत्र की क्या स्थिति होगा, हमारे तरफ करुणा का दृश्य देखने लगे, कातर दृश्य देखने लगे, एक तरफ साम्राज्य है, दूसरे तरफ तुम हो, बेटी बताओ मैं क्या करूं। मैं पिता के करुणा को देख करके, उनकी आंखों को देख कर कहा कि मैं बलिदान चढ़ने के लिए तैयार हूं पिताजी। मैं जब चलने लगी तो मेरे पिता ने यह कह दिया था, राजन एक मेरी शर्त है, इससे जो पुत्र जन्म लेगा वही राजा बनेगा, और तुम्हारा पिता ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब मेरा पुत्र तो स्वतः राज्य का अधिकारी है, तुम्हारे राज्य की यह परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना राम। कहा कि हाँ माता जी, लेकिन मैं तुम्हारे माँ से सख्त घृणा करती थी, सुमित्रा से सख्त घृणा करती थी, बहुत मेंटल टॉर्चर दिया, कष्ट दिया, लेकिन तुम्हारे पिता को कोई उस पर असर नहीं हुआ, तो मैं समझ गई कि इन बहनों को कष्ट देने से वृद्ध दशरथ पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब हमने प्रेम करने लगा, मैं प्रेम करने लगी, उन लोगों से भी प्रेम करने लगी, तुमसे भी प्रेम करने लगी, तुम इतने लाड़ला निकला कि मैं तुम्हें भरत से ज्यादा मानने लगी, और अपने क्रोध को छोड़कर, अपने वंश की परंपरा को छोड़कर, तुम्हारे वंश के परंपरा को मैं स्वीकार कर ले कि नहीं, रघुवंशी में जो बड़ा होता है उसी को राजगद्दी दी जाएगी। मैं यह दत्त अपने हृदय में स्थान बना ली कि नहीं, राम को ही राजा बनाया जाएगा। भरत भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, बड़े भैया राम ही राजा बनेंगे, मैं तो उनका सेवा करूँगा। इस परिस्थितियों में बताओ, मुझे छिपा कर क्यों तुम्हें राजगद्दी दी जा रही है, जब भरत ननिहाल है क्यों दिया जा रहा है। मंथरा मेरी शिविका बनकर के आई है, लेकिन आज वह मुझे सलाह देने लगी, जानते हो दुष्ट है, कुटिल है, कपटी है, मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। लेकिन राम यह भी जानते हो, संसर्गे गुण दोषा भवंत, संसर्ग से गुण और दोष होता है, कभी भी दुष्ट आदमी का साथ नहीं करना चाहिए राम। जब तुम दुष्ट आदमी से साथ करेगा तुम्हारा भला अभला होगा, मैं जानती हूं कि मेरा घर उजड़ जाएगा, अयोध्या बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मंथरा मुझे समझाई, को नृप हो मोह का हानि, चेर छाड़ न हो हूं रानी। कोई रानी, मैं हम तो चिरिए रहेंगे, लेकिन अभी देखो कौशल्या बहुत खुश है, वह पूजा में लगी है, कल से तुम पर शासन करेगी, और तुम लोगों की धूर्तता
और छिप कर यह व्यवहार मुझे भी लगने लगा कि हाँ हम पर तुम लोग शासक बनोगे, नियंत्रण करोगे। इसलिए मैंने जो वर दिया था राम, तुम जानते हो देवासुर संग्राम में, संभरासुर के संग्राम में मैं गई थी तुम्हारे पिता के साथ, और जब तुम्हारे पिता का धुरी टूट गया, धुरी टूटने का मतलब रथ टूटने पर मैं हाथ लगा दूंगी, हाथ मेरा कट नहीं जाएगा। अरे बेटा यह बात समझो, लक्षण अलंकार है। जब तुम्हारा पिता वृद्ध था, हारने लगा, तब मैं छत्राणी थी, पीछे से आगे आ गई और तलवार उठा करके, तीर धनुष उठा करके घोर युद्ध किया और उस युद्ध में संभरासुर को पराजित किया, देवराज इंद्र को राजगद्दी पर आसीन किया और मैं वहां से खुशी खुशी पुनः उनको तलवार हाथ में पकड़ा कर कही कि नहीं, इस युद्ध में तुम्हारे पिताजी विजय प्राप्त किए हैं, मैं तो उस धुरी जो टूट गया था हाथ डाल दी थी। यह व्यक्त करके हट गए। तब तुम्हारे पिताजी इससे बचने के लिए कहा कि हम दो वरदान देना चाहते हैं, बताओ मैं भिखमंगा हूं और पति से भी लेन देन होता है। देखो अक्सर मांगने वाला आदमी छोटा होता है, देने वाला आदमी बड़ा होता है। मांगता तो भिखमंगा है, मांगने वाला आज न कल चालचित्र से गिर जाता है, देने वाला उठ जाता है। मैंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जब बार बार कहा तब मेरे मन में संदेह हुआ। हमने कहा देख ठीक है, समय आने पर ले लेंगे। राम अब समय तो आ गया ना, हमने दोनों वर तुम्हारे पिताजी से मांग लिया। मैं यह जानती हूं बेटा, नारी जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो देवी बन जाती है, नीचे की तरफ गिरती है तो नागिन बन जाती है, और मैं आज नागिन बन गई हूँ और डस डालूंगी आज। मैं जानती हूँ कि इस डसने से अयोध्या हिल जाएगा, भूचाल आ जाएगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, नागिन तो बन गई। कहा कि माँ आदेश दो। कहा कि देखो पुत्र, बार बार तुम मुझे माँ कह रहे हो, करुणा मुझे छलक आती है, लेकिन मैं आज कठोर हो गई हूँ, इनसे दो बार मांग लिए हैं। तुम्हारा बाप जो है यह जानते हो इस तरह से गिर गया है, कायर की तरह गिर गया है, और यह गिर करके मुझ पर मानसिक दबाव डालना चाहता है कि अपने बर से वापस कर लूँ, लेकिन इसके भेषभूषा से, इसे गिरने से, इसके मानसिक दबाव देने से मैं अपने हटने वाली नहीं हूं। कहा ठीक है मत हटो मां, कहो तो। कहा कि सुन लो बेटा आंख खोल करके, पहला हमने कहा है भरत को राज गद्दी सौंप दो। कहा अति उत्तम। कहा कि दूसरा भी सुन लो, तुमको 14 साल का वनवास अभी इसी क्षण। कहा कि मां इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा भुवान। कहा कि अभी और सुन लो, तुम्हें सन्यासी के रूप में जाना होगा, तुम्हें दंडाकरण्य जाना होगा, दंडाकरण्य तक जाना पड़ेगा जहां राक्षसों का बहुत बोलबाला था। राम अंदर अंदर बड़ा मुस्कुराया, खुश हुआ, क्या बात है, सिद्धाश्रम में मेरे गुरुदेव दंडाकरण्य ही कह रहे थे और माता जी के भी मुँह से दंडाकरण्य भी निकला। कहा कि धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो माता। वह बार बार प्रणाम किया, माँ आपकी बातों को मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। माँ अंदर से राम सोचा यह तो राम का अभ्युदय है, यह तो राम का भाग्य खोल रही है, राम को राम बनाने में लगी हुई है, लेकिन माँ सोच नहीं रही है कुछ और। कहा कि माँ इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बवाल, बस छोटी सी बात। कैकेयी चौंक गई, इतनी बड़ी बात को भी राम इतनी छोटी सी गंभीरता से नहीं ले रहा है, जरूर राम महान है। अंदर में उसकी श्रद्धा हुई, राम तो महान है। लेकिन जब वह कह रहा है कि माँ स्वीकार है, अभी मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, दशरथ जी फिर आँख खोलते हैं, इशारा करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आँख से इशारा कर रहे हैं, मेरी बात नहीं है, मेरी तो बात यह है बेटा राम मुझ पर आक्रमण करो ना, कभी बाप भी चाहता है बेटा मुझ पर आक्रमण करे। लेकिन राम फिर इशारे से कहते हैं पिताजी यह संभव नहीं है, और आ जाते हैं, अपनी माँ कौशल्या से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। माँ पूछती है क्या हुआ बेटा, क्यों बुलाया गया था? वह विष्णु के मंदिर में पूजा में लगी थी, रात भर यह शिव के मंदिर में थी। माँ मुझे राज दिया गया। कहाँ का राज तो दिया ही जा रहा है तुम्हें। कहा कि माँ जंगल का।
इतना सुनना था, कौशल्या तो वहां है, और धड़ाम से गिर गई। सीता उठाती है, पलंग पर ले जाती है, पानी उन्हें छिड़कती है, होश में आता है, राम चौथेपन में तू पुत्र मिला, वह भी जंगल बनवास। आगे पति के विरुद्ध कुछ नहीं बोलती है कौशल्या, तब तक से सुमित्रा आ जाती है। कहती है सुमित्रा, बेटा राम मुझे पता चल गया है सब कुछ, लेकिन मैं राजनीति जानती हूं अयोध्या की, एक बात समझ लो, राजा दशरथ की कोई भी बात मान्य नहीं है, इसलिए कि तुम्हें राज देने का निर्णय जो है मंत्री परिषद के सर्वसम्मत से पास हुआ है, और मंत्री परिषद सर्वसम्मत से ही कहेगा कि नहीं इन्हें राज नहीं जंगल दिया जाए, लेकिन यह सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास नहीं होगा, अयोध्या की जनता नहीं इसे स्वीकार करेगी, यह वृद्ध और मति भ्रम राजा का प्रस्ताव है और उनका भी नहीं होगा, केकई का होगा, इसलिए तुम्हें मत जाना है। मैं जानती हूं अभी युद्ध जीत नहीं है, मैं छत्राणी हूं और यह जानती हूं सारे अधिकारी मेरे साथ है, मैं युद्ध में उतर जाऊंगी, गृह युद्ध में मुझे विजय प्राप्त होगा, तुम राज्यारोहण के लिए तैयार हो जाओ। गृह युद्ध बड़ा भयंकर होता है। राम कांप गए कि अभी ही गृह युद्ध। तब तक से लक्ष्मण दौड़ आया, कहा कि भैया मुझे पता लग गया है, और भैया दशरथ उस केकई रूपी नागिन से आवेशित है, न केकई रूपी नागिन ने उसे अपने आप बंधन में आबद्ध कर लिया है, तो मैं उस नागिन को, इस राजा को भी पिटारी में बंद करना जानता हूं, देखो यह मेरे पास तलवार, अभी 2 मिनट में हम पिटारी में बंद किया इस नाग को, नागिन। राम देख लिया कि यह तो गृह युद्ध हो गया, कहे लक्ष्मण इतने क्रोधित, कहा कि क्रोध की बात नहीं है, व्यवस्था की बात है। कहा कि लक्ष्मण तुम्हें याद है सिद्धाश्रम में गुरु जी दंडकारण्य के बारे में कह रहे थे, अपनी दक्षिणा में दीक्षा में दक्षिणा यही मांगे थे ना, उनका क्या होगा, ओ बनवासी, ओ गिरिजन, ओ जो है ऋषि सन्यासी, जो तुम्हारे प्रजा नहीं है, तुमको टैक्स नहीं देते हैं, तुमको कर नहीं देते हैं, उपेक्षित पड़े हैं और रावण के कृपा पर जिंदा हैं, और किसी भी क्षण रावण उनको खा सकता है, किसी भी क्षण उनका मांस जो है लंका के हाट में बिक सकता है, उनके प्रति क्या होगा। लक्ष्मण कहता कि हाँ भैया यह तो बात याद आ गई, तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। कहा कि तुम, लेकिन अभी तो केवल आदेश माँ केकई का मेरे लिए हुआ है। कहा कि यह आदेश छोड़िए, उस समय भी तो गुरुवर केवल आपको मांग कर ले गए थे, हमको कहाँ मांगे थे, आप विश्व संरचना के लिए चल रहे हैं, विश्व में सद्विप समाज के लिए चल रहे हैं, सद्विप्र स्थापना के लिए चल रहे हैं, सद्विप्र की सेवा के लिए चल रहे हैं, मैं तो आपकी सेवा के निमित्त जन्म लिया हूं, मैं तो आपके सेवा के लिए चलूंगा, मैं आपके रक्षा के लिए चल रहा हूं, और राम लखन जानकी तैयार हो गए, समझ गया सम? राम लक्ष्मण जानकी जब आए लोग तैयार होकर के, तब तक से वशिष्ठ जी पहुंच गए थे और उनको मालूम हो गया था, और जैसे ही लोग आए माँ के कई से प्रणाम किए, कुछ आभूषण सीता के औरतों को जो है गहना के प्रति बड़ी ललक होती है, आभूषण के प्रति होता है ना, छिपा कर गहना रखेगी कहीं ना कहीं पहने की भी, कुछ आभूषण जानकी पहन ली थी। कि कई कहते हुए कही, सीता बड़ा तुझे मैं प्रेम किया, लेकिन आभूषण उतार दो, यह आभूषण राजा का है, तुम अब रानी नहीं है, तुम अब जो है आभूषण उतार दो, तुम भी बनवासी का पोशाक पहन लो, ये बलकल वस्त्र पहन लो, मैं दे रही हूं। वशिष्ठ जी इस समय बिगड़े हैं, केकई अब अत्याचार हो रहा है, तुम मर्यादा से अब खिलाफ जा रही हो, तुम क्या सोच ली, यह सीता इस खानदान की, इस कुल की एक वधू भी है, और उसको तुम नग्न करके भेजोगी,
स्कूल और खानदान की मर्यादा मत तोड़ो, यह मर्यादा से अब आगे मत बढ़ो। और राम सीता जानकी जब प्रणाम करके पिताजी को निकलने लगे, तब उस समय निकलने लगे तो फिर दशरथ जी आँख खोले, सुमंत को फिर कहे, हे सुमंत तुम राम के साथ जाओ, इसे थोड़ा घुमा फिरा कर बच्चा है वापस लाओ। इसलिए सुमंत जी फिर कहे, बड़े प्रिय हैं लक्ष्मण सुमंत दशरथ जी के रथ पर आए, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो प्रजा विद्रोह कर चुकी थी, राज्य में विद्रोह हो गया, बाहर पूरा रोड अयोध्या का घिरा हुआ था, इनकलाब जिंदाबाद, नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम लोग जो होता है हल्ला होने लगा था, नहीं यह चलेगा, केकई का राज नहीं चलेगा, राज कर्मचारी भी विद्रोह पर उतारू हो गए थे, लेकिन राम ने भांप लिया कि यदि राज विद्रोह यदि परंपरा अभी हुआ तो हमारे कभी भी यह कठिनाई हो सकती है, इसलिए सबको मनाए, कहे कि नहीं तुम लोग जहां हो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सुर निरप अवश्य नरक अधिकारी, तुम लोग इस प्रजा के साथ खेलो मत, आप जहां हो वहां अपने काम में रहो, यह पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामला से आप लोग मत जुटो। और वे अपने लोगों के साथ लेकर रथ में जब निकलने लगे, समझाते बुझाते निकले, कहीं विद्रोह करने की आज्ञा नहीं दिए, और सबसे पहले पहले पहुंचे अयोध्या से शाम होते होते श्रृंगेरपुर। श्रृंगेरपुर गए हैं आप लोग? श्रृंगेरपुर क्यों पहुंचे? एक तो श्रृंगेरपुर में जो वहां निखात गगन था, अब समझो उसी का श्रृंगेरपुर का निखात राज उसका रिश्तेदार था, एक तरफ से वहां बीन चुके थे विश्वामित्र, यहां निखात स्वागत के लिए तैयार हो गया था, और अपने सदविप्रों से कह दिए निखात राज सारी सूचनाएं अयोध्या से कलेक्ट करते रहो, और उस सूचना को भारद्वाज ऋषि के हैं, भारद्वाज से अत्रि के हैं, अत्रि से जागवाल, इस तरह से यह ऋषि आश्रमों से होते हुए सारी सूचनाएं मुझ तक पहुंचते जाएगी, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे सद्विप समाज की स्थापना करते जाऊंगा, और वैसे वैसे सूचना में का आदान प्रदान होते रहेगा, यह इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, एक कारण। दूसरा कारण श्रृंगेरपुर है, मतलब रसा ऋषि श्रृंगी का जगह है, जो ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ से राम की उत्पत्ति हुई थी, उस ऋषि का निवास स्थान उसी श्रृंगी ऋषि के नाम पर श्रृंगेरपुर है, न कि निखातपुर है, इसलिए यज्ञ के पिता भी तो हुए, एक पिता से आशीर्वाद लेकर निकले हैं तो दूसरे पिता से तो भी आशीर्वाद लेना होगा।